अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर बशीर मोहम्मद ख़ान यूसुफ ज़ई अलजन्नत होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर एबटाबाद से आपसे मुखातिब है। उम्मीद है तमाम दोस्त बाफियत होंगे। आज आपकी खिदमत में औरतों के लिए एक मशहूर दवा पेश करने लगा हूँ, जिसको एक टीआरएसिमोसा कहते हैं या सेमीसोफ्यूगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दवा जचकी के बाद दीवानगी के लिए बड़ी मशहूर और बड़ी बेहतरीन दवा है। इसमें मरीज़ा ख़ुद को ज़ख्मी करना चाहती है, जुनून रहता है, मौत का खौफ, और मरीज़ अद्वियात लेने से भी इनकार कर देता है। रंज व गम और अफसुर्दगी में डूबा हुआ मरीज़ जो कि खामोश बैठा रहना चाहता है, और मरीज़ को ये एहसास होता है जैसे कोई आफत आने वाली है और उसको अपने सर पे काले बादल मंडलाते हुए नजर आते हैं। मरीज को ये वहम होता है कि उसके कुर्सी और बेड के नीचे चूहे हैं और वो बार बार उसको तलाश करने की कोशिश करता है। ऐसे ख्वाब जिसमें मरीज को ये नजर आए कि कोई मुसीबत मेरे ऊपर नाजिल होने वाली है, तो एक्टिया रेसिमोसा को अपने जहन में रखिए। बंद गाड़ी में सफर करने से मरीज घबराता है और अक्सर वो इतना मजबूर हो जाता है कि वो गाड़ी से छलांग लगा लेना चाहता है। सर दर्द जो कि अफसुर्दगी और गम के साथ बढ़ जाए, जिस्म में लर्जा होता है जो कि गहरे गम और हैजान अंगेज खबर सुनने के बाद जिस्म में लर्जा और कपकपी शुरू हो जाती है, और जिसके साथ जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे दर्दें जो हैं वो जाग उठती हैं। सर्दी से अगर लर्जा हो और मुख्तलिफ अज़ा में झटके आएँ तो एक्टिया रेसिमोसा को भी जहन में रखें। एक्टिया रेसिमोसा पट्ठों में ये छोटे जोड़ों में जब शदीद दर्द हो तो उसके लिए बड़ी अक्सर दवा है। और मरीज़ ये जिक्र करता है कि जी मुझे सर के बालों से लेकर नाखनों तक शदीद दुखन और शदीद दर्द रहता है। दिमागी हालत जैसे जुनून, दीवानगी या ख़ुद को मारने के जो रुझान है, जब वो मसले ज़्यादा हो जाएं तो जिस्मानी दर्द कम होने लगते हैं, और एक इलामत जब शिद्दत अख्तियार कर ले तो दूसरी इलामतें ख़त्म या कम हो जाती हैं। मतली के लिए भी ये बड़ी बेहतरीन दवा है, ख़ास करके नौजवान लड़कियों के पहले हमल के दौरान जब शदीद मतली हो, या ऐसी ख़वातीन जो कहती हैं कि जी हर बार जब हमल ठहरता है तो 3 माह बाद इस्कात हमल हो जाता है, अबॉर्शन के लिए बड़ी अच्छी दवा है, और बच्चे की विलादत में भी ये आसानी पैदा करती है। बेकायदा हैज़ और दर्द वाले हैज़ होते हैं, जब खून खुल कर आए तो मरीज़ा को दर्द कम होने के बजाय दर्द बढ़ जाता है। रहम और बेजदानी में दर्द महसूस होता है, और ये दवा खुसूसन ऐसे औरतों के लिए बहुत बेहतरीन है जो कि हमेशा मुर्दा बच्चे जन्म देती हैं। तो अगर इलामात के मुताबिक ये दवा दी जाए तो ऐसी औरतों का ये मसला हल हो जाता है। एक्टिया रेसिमोसा या सेमीसोफ्यूगा को इस्तेमाल करने से पहले किसी भी होम्यो फिजिशियन से ज़रूर मशवरा कर लीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली मालूमाती और बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।